स्वागत है एक बार आपका फिर से आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे मिरर प्रिंटिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा मिरर प्रिंटिंग के बारे में। तो मिरर प्रिंटिंग का क्या यूज़ है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आप किसी शोरूम के बाहर गुजरते हैं वहाँ से रोड पे से, तो आप देखेंगे जो शोरूम का जो ग्लास होता है, उसका जो शीशा होता है, उस पर इस तरीके का स्टिकर चिपका होता है, ठीक है। अगर आप उस शोरूम के अंदर चले जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो जो स्टिकर है उसका जो विजुअलाइजेशन है वो कुछ आपको ऐसा दिखता है, ठीक है। तो आप मिरर प्रिंटिंग हम इसमें कहाँ यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो मिरर कोटेड ट्रांसपेरेंट शीट होती है उसमें जो गमिंग होती है वो उसके ऊपर होती है, ठीक है। ऊपर वाली साइड में गमिंग होती है क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट होती है जब हम उसको अलग करते हैं उसकी शीट से और जब ग्लास पे पेस्टिंग करते हैं तो उसका जो पीछे वाला हिस्सा नहीं, उसका जो आगे वाला हिस्सा है वो उसमें चिपकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर आपने रिवर्स प्रिंटिंग नहीं करी तो आपको कैसा दिखेगा, इस तरीके से आपने मान लीजिए एज इट इज़ को ये डिज़ाइन ले लीजिए। आपने ये डिज़ाइन लिया और आपने इसे स्टिकर शीट में प्रिंट कर दिया। जब आप इसको ग्लास में चिपकाएंगे तो आपको जो देख पाएंगे आप, वो आपको ऐसे दिखेगा। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे कि एम्बुलेंस देखा होगा आपने, और कार वगैरह में क्या होता है कि आपने देखा होगा कुछ उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है। कार वगैरह में जय माता दी और भी कुछ बहुत से कुछ अपना कोई भी कस्टमाइज टेक्स्ट लिखवाते हैं कार में, तो वो जो है मिरर प्रिंटिंग करके ही लिखा जाता है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप मिरर प्रिंटिंग करके नहीं लिखोगे तो बाहर वाले को वो अलग ही दिखेगा, हॉरिजॉन्टली मिरर दिखेगा वो आपको, ठीक है। और इसका जो मेन यूज़ है वो सब्लिमेशन जो डिज़ाइंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको मग प्रिंट करना है तो जो बटर निकलता है इसका, तो वो आप क्या करेंगे उसको हीट प्रेस, जो हीट से जो प्रिंटिंग होती है उसमें भी आप मिरर प्रिंटिंग ही करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ देखिए मिरर प्रिंटिंग का यूज़ क्या है। और देखिए जैसे ये एक डिज़ाइन है जो अगर आप इसको नॉर्मल देखते हैं तो ये लिखा है यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, ठीक है। अगर आप इसको ग्लास में पेस्ट करने जा रहे हैं, ग्लास में अगर आपको चिपकाना है, ये ग्लास के लिए आपको बनाना है, तो आपको उसको मिरर प्रिंटिंग में निकालना पड़ेगा। कई सारे जो अवार्ड्स होते हैं, जो मिरर जो नहीं कि कांच के जो अवार्ड्स होते हैं, अगर आपको उसमें नाम पेस्टिंग करना है किसी कैंडिडेट का, उसमें भी आपको मिरर प्रिंटिंग करनी होती है। आप एक बात जान लीजिए कि जो ग्लास में जो भी प्रिंटिंग होगी वो क्या होता है, वो मिरर प्रिंटिंग करी जाती है, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं मिरर प्रिंटिंग करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने ये कोई डिज़ाइन बनाया है या कोई भी इसमें कोई डिज़ाइन बनाया है, आपने कोई भी टैग बनाया, अगर आपको उसको मिरर प्रिंटिंग निकालना है उस ग्लास कोटेड ट्रांसपेरेंट शीट पर, तो आप क्या करेंगे, ये आपने डिज़ाइन ले लिया, ये नॉर्मल है और आप इसको ऐसे रख लीजिए और अब आप इसको मिरर हॉरिजॉन्टली करेंगे, ठीक है। मिरर हॉरिजॉन्टली करेंगे, आपको ऐसे प्रिंट निकालना है। जो गमिंग होती है, अब आप यहाँ समझ लीजिए जो गमिंग होती है ये इस वाली साइड में गमिंग होती है, ठीक है। अब आप इसको ग्लास में चिपकाएंगे तो जो बाहर से इस चीज़ को देखेगा उसको बिल्कुल सही पढ़ने में आएगा, आप अंदर से नहीं पढ़ पाएंगे, मगर जिसको आप दिखाना चाहते हैं, ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, वहाँ आप वो लोग इसको इजीली पढ़ पाएंगे। ऐसे ही आपने एम्बुलेंस में भी दिखा होगा, एम्बुलेंस में अलग, अगर एम्बुलेंस में सीधा अगर लिख दिया, ठीक है, अगर एम्बुलेंस में अगर जो एम्बुलेंस होती है उसमें जो लिखा होता है टेक्स्ट एम्बुलेंस, वो मिरर होता है, यानी कि जब वो शीशे पे जब हम किसी गाड़ी से साइड मांगते हैं तो जब उस पर रिफ्लेक्शन पड़ता है उसका टेक्स्ट का, तो वो उसको बिल्कुल सीधा होके दिखता है, इसलिए वो समझ जाता है कि पीछे एम्बुलेंस है, ठीक है। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, और छोटी सी वीडियो है मगर अक्सर आपने देखा होगा इसके बिहाइंड ऑफ सीन क्या टेक्निक होती है, हम इसको इस तरीके का प्रिंट को कैसे निकालते हैं, ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता है। तो ये इन्फॉर्मेटिव है, छोटी वीडियो है पर इन्फॉर्मेटिव है। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।